फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज हम बात करेंगे आरकॉम के बारे में। काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये स्टॉक क्यों गिरा है और कुछ न्यूज़ है तो बताइए। तो इसके अंदर हुआ क्या है, अगर आप देखेंगे तो 14.90 के ऊपर चल रहा है, 7.74% डाउन है इसका। 52 वीक लो 9.60 का है। इसके अंदर हुआ क्या है, अनिल अंबानी जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो जितने भी मीन्स टेलीकॉम बिजनेस से एग्ज़िट हो जाएंगे और खाली ये फोकस करेंगे रिलायंस रियल्टी पे। इनका जो रियल इस्टेट बिजनेस है उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो शायद उसी कारण स्टॉक के अंदर थोड़ी गिरावट और देखने को मिली है। और जितने भी इनके एसेट्स है टेलीकॉम के वो सारे बेच देंगे मुकेश अंबानी को, और लगभग डील तो चली रही है और फाइनली ये लगभग 5000 करोड़ के एसेट्स तो इन्होंने सेल कर दिए हैं, और कुछ महीनों में बाकी के जो एसेट्स है वो भी सेल कर देंगे। तो इसी न्यूज़ के कारण शायद इस स्टॉक के अंदर इफेक्ट गिरा है, तो वो भी मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। और इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग थी 18 सितंबर को, तो उसी में ये अनाउंसमेंट किया गया है, काफ़ी लोगों को पता नहीं भी होता है, तो उस हिसाब से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो इसका ये जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्लियरली लिखा है, आरकॉम इज़ कमिटेड टू एग्जिट दीज वर्टिकल्स एज वेल टू पे ऑफ बैंक्स एंड विल टेक अ कॉल ऑन द सेम एट द अप्रोप्रिएट टाइम। और रिलायंस रियलिटी इज़ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरकॉम, आरकॉम की सब्सिडरी है तो उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और इनके पास अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है जिसके ऊपर ये आईटी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, काफ़ी सारे आईटी पार्क बनाएंगे और लीज के ऊपर देने वाले हैं। तो ये एक इनकी रणनीति है कि कैसे आरकॉम को मोनेटाइज किया जाए, और कितना इनके पास जगह है वो भी यहाँ पे लिखा था। लगभग 3 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस है जिसे ये बिल्टअप करेंगे और रेंट पे देंगे। तो यही एक न्यूज़ है, शायद इसी के कारण इस स्टॉक में कुछ गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर से एग्जिट पूरी तरह कर रहे हैं, खाली रियल्टी इनका जो बिजनेस है जो सब्सिडरी है आरकॉम की उसके ऊपर ही ये ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो बस यही एक न्यूज़ थी जो आप तक पहुँचानी थी। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसके अंदर कुछ न्यूज़ है तो बताइए, तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आप BSE की वेबसाइट पे भी जाके इजीली देख सकते हैं, कोई न्यू अपडेट आया भी हो तो उसके ऊपर आप इजीली देख सकते हैं, तो उसके ऊपर आप अपना फोकस रखिए ताकि आपको भी लेटेस्ट अपडेट जो भी किसी भी कंपनी के बारे में अगर आता है तो आप जल्द से जल्द अपडेटेड रहें। चलिए, थैंक यू।